आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, तो शाम से हमारे विधायिका किरण चौधरी जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, श्रुति चौधरी जी और हमारे शशि रंजन परमार जी, अनीता मलिक जी जो हमारे चेयरमैन जिला परिषद, रेणु डावला जी, शंकर धूपड़ जी और हमारी मीना परमार जी और हमारे वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी जी, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, और आज के इस जो दो योजनाओं के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आज डायरेक्ट उनके खाते में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम आज इस योजना के माध्यम से किया है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए कि ये दो योजनाएं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके माध्यम से आज जो हरियाणा प्रदेश के 54,000 किसानों की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ था, आज भिवानी के इस ऐतिहासिक भूमि से एक क्लिक के द्वारा 133,75,00,000 रुपया आज उनका जारी किया गया है। और मैं दूसरी जो दयालु योजना थी, इस योजना के माध्यम से कि जो परिवार प्रभावित है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का परिवार शिकार हुआ है, सरकार ने उनके परिवार को संबल देने के लिए ये दयालु योजना चलाई है। और इस योजना के माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश के 3,527 परिवारों को 131,14,00,000 रुपए की राशि आज उनके खाते के अंदर ये पहुंचाने का काम आज यहां से किया है। भाइयों, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे किसान है चाहे गरीब है, उसको मजबूत करने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला करके किसानों को सुरक्षित और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं जब देखता हूं, मैं पूर्व की सरकार का भी कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल में मुआवजा दिया गया है, जब मैं उसको भी देखता हूं तो एक जमीन आसमान का अंतर हमें दिखाई देता है। पिछले 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का खराबा हुआ, मात्र 1,100 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया, परंतु जब हम ये 9.5 वर्ष का कार्यकाल देखते हैं, इस डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है।
और आज भी लगभग जो मैंने बताया है 133 करोड़ 75 लाख रुपया आज भी इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। किसान सशक्त हो, किसान मजबूत हो, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने आज जब किसान को डीएपी की आवश्यकता होती है या यूरिया की आवश्यकता होती है, मैं जब 2008-09 के अंदर उसके भाव देखता था, वो डीएपी का खाद का थैला वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था, यूरिया का थैला 237 रुपए का उपलब्ध होता था, परंतु कांग्रेस की सरकार में उसके भाव बढ़ करके वो डबल से ज्यादा हुए हैं और डीएपी खाद का थैला 1200 रुपए का मिलना उनकी सरकार में शुरू हुआ, परंतु उन्होंने किसान हित ऐसी एक भी कदम नहीं उठाया। किसान के ऊपर वो 1200 रुपए का भार पड़ा और आज भी 2022-23 के अंदर जब हम देखते हैं इस डीएपी यूरिया के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ करके फिर वो डबल हो गए थे, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में किसान है तेजी वो व्यक्ति बैठा था, उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके एक निर्णय लिया कि ये जो इस खाद के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो मेरी सरकार वहन करेगी और उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों लगातार कर रही है। इस बात को भी हमने समझना है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसानों की हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, ये डबल इंजन की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि यह मोदी की सरकार यह किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं बाजरे की फसल के बारे में देखता हूं, हमारी सरकार ने बाजरे के अंदर भी 125 रुपए की बढ़ोतरी की है, आज 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों मेरे किसान का बाजरा भी खरीदा जाएगा। 135 रुपए की बढ़ोतरी ये मक्के के अंदर की है, मूंग के अंदर 124 रुपए की है, मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, सूरजमुखी के अंदर 520 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, और तिल के अंदर 632 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, कपास के अंदर 501 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, जो लोग ये लगातार दुष्प्रचार करते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार वो प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले जब गद्दी के ऊपर आकर के कुर्सी पर आकर के बैठते हैं तो सबसे पहले जो कलम चलती है वो मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों, किसान हित ऐसी सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करने वाली सरकार भाइयों दिन रात
किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने यह भी संकेत दिया है कि हम किसान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, ये पहली बार मोदी की सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के अंदर या प्रगतिशील हमारे जो किसान भाई हैं, जिन्होंने इस खेती के अंदर एक मुकाम को हासिल किया है, ऐसे किसानों को भी सम्मानित करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उनके खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन के साथ है, उनके ज्यादा भूमि के ऊपर पानी पहुंचाने का काम उनको सब्सिडी दे करके ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि किसान की जो 2014 में जितनी पैदावार होती थी, आज 2024 उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार मेरा किसान कर रहा है। और उसको भी MSP पर खरीदने का काम ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों, जो लोग इस बात का दुष्प्रचार करते थे कि एक सरकार ये किसान विरोधी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कदम किसान की मजबूती के अंदर उनको सशक्त करने के लिए उठाया है। जब मैं ये देखता हूँ हरियाणा के अंदर कि किसान को जो उसका कृषि संयंत्र है उसको अगर खरीदना है, पहली बार हरियाणा सरकार ने, भाइयों मनोहर लाल जी की सरकार थी, उन्होंने एक योजना बना करके उन तक भाइयों सब्सिडी पहुंचाने का काम किया है। चाहे उसका ट्रैक्टर है, चाहे उसका रीपर है, चाहे उसका बेलर है, और चाहे रूटावेटर है, चाहे वो हैरो लेता है या टिलर लेता है, तो सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से किसान को सब्सिडी दे करके उसको मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं ये बात आप लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा किसान भी मजबूत है, मेरा किसान भी सशक्त है, और नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का मजबूती से काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेरे भारत के किसानों की उस आवाज को बुलंद किया, उन्होंने UNO के अंदर इस बात को उठाया कि हम सबको मोटा अनाज खाना चाहिए, और पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। हमारा किसान मोटा अनाज उगाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सीरियन के रूप में प्रस्तुत किया कि हमारा ये सीरियन हमारा किसान पैदावार करता है, पूरी दुनिया उसको खाएगी, मेरे भारत के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। भाइयों, उस मोटे अनाज को भी ब्रांडिंग करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों पूरी दुनिया के अंदर किया है। आज मेरे किसानों को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी मंडिये हैं उनको ही मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है कि मेरा किसान अगर दूसरी मंडी में जहाँ उसको लाभकारी मूल्य मिले उसका भाव देख करके वहाँ पर उस सामान को अपने बेचने का काम कर सके। और पहली बार मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जो किसान रेल चलाई है उसको लाभ दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर वो अपने माल को ले जा सकता है, लाभकारी मूल्य उसको मिले। इसको लेकर के विभिन्न योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये किसान हित के अंदर चलाई है। आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि आज दो योजनाओं का इस भिवानी की ऐतिहासिक भूमि से इनका लॉन्च हुआ है, एक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को आज एक बड़ा मुआवजा उनकी फसल के खराबे का देने का काम किया है, और दूसरी योजना जो दयालु योजना थी उसके माध्यम से अगर किसी परिवार के ऊपर कोई
दुखों का पहाड़ टूटा है, परंतु सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसके परिवार के साथ खड़ा हो करके उसको आज इस योजना के माध्यम से आज करोड़ों रुपया पहुंचा करके उनको सशक्त और संबल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार ये सरकार गरीबों के हित में, किसान के हित में, महिला के हित में, युवाओं के हित में मजबूती से कदम उठा रही है और आज इस सरकार के प्रति किसान का भी विश्वास बढ़ा है, महिलाओं का भी विश्वास बढ़ा है, युवाओं का भी विश्वास बढ़ा है और गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। जब मैं देखता हूँ पहला सैन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे करते हैं तो तभी दूसरा सैन नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर भी करते हैं कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर देश के 3 करोड़ गरीब परिवारों को हम आवास बना करके देंगे। ये भी भाइयों अगर कोई प्रधानमंत्री गरीब के हित में सोचता है तो नरेंद्र मोदी है। लगातार उनको सशक्त और मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों का आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं और आप सब लोग जिन किसानों की फसल खराब हुई है, हमने ये पहले भी कहा था कि पूर्व की सरकारें किसानों के साथ मजाक करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, वो 5 रुपए का 2 रुपए का चेक भेज करके किसानों के साथ भाइयों बद्दा मजाक करते थे। आज मैं जब देख रहा हूँ अगर चेक देते हैं, अगर मेरे किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है 50,000 रुपए का चेक जाता है, आज 40,000 रुपए का चेक जाता है, 30,000 रुपए का चेक जाता है। भाइयों ये काम अगर किसी ने किया है ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज जितने हमारे किसान भाई प्रभावित हुए थे या जो दयालु योजना के से जिन परिवारों में कोई दुखों का पहाड़ हुआ है, सरकार ने संबल बन करके उनके साथ खड़ी है और आगे भी ये सरकार गरीब के साथ भी खड़ी है, ये किसान के साथ भी खड़ी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने किसान के हित में, गरीब के हित में अनेक योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी। मैं निवेदन करूंगा ACS आदरणीय श्री अनुराग रस्तोगी जी से, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्रीगण का, सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। परम सम्माननीय अनुराग रस्तोगी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री हरियाणा जयप्रकाश दलाल जी, परम आदरणीय मंत्री हरियाणा सरकार विशंबर वाल्मीकि जी, सांसद धर्मवीर जी, किरण चौधरी जी, माननीय विधायिका, माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ जी, आयुक्त हिसार, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और वित्त सचिव हरियाणा होने के राशि ट्रांसफर की गई। सीएम के द्वारा अपने संबोधन में यह अहम बातें की गई। कहा डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में किया है काम, किसानों को मजबूत करने का काम किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम के द्वारा अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत करने का काम किया गया है। पीएम मोदी ने किसानों के हित में काम किया है, किसान गरीबों को खुशहाल करने का काम कर रही है। 10 सालों में पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया गया है। डबल इंजन की सरकार में किसानों को फायदा, किसानों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, किसानों को सशक्त किया जा रहा है। आज DAP यूरिया के भाव कम हुए हैं, ये तमाम बातें सीएम के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा जो कांग्रेस राज में आसमान छू रहे थे, तो सीएम नायब सैनी का संबोधन भिवानी से सुन रहे थे आप। जहां डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में काम करने की बात यहां पर सीएम के द्वारा कही गई है, किसानों को मजबूत करने का काम, वही पीएम के नेतृत्व में किसानों को वैश्विक पहचान मिलने की बात
सीएम नायब सैनी के द्वारा कही गई है। फिर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। पीएम के नेतृत्व में किसानों को वैश्विक पहचान मिलने की बात सीएम के द्वारा कही गई।